दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में 15 अगस्त के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शहर में 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और हर गेस्ट हाउस और ओयो जैसे होटलों पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल और पीवीआर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध और भीड़भाड़ वाले स्थान और पार्किंग स्थलों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व सुरक्षा में सेंध न लगा सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है। करीब इसमें 2500 पुलिस हमने अपने उस फ्लोर पे लगाई है, तो दिन रात अभी चेकिंग चल रही है। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा के निर्देश हैं तो सभी एरिया में SHO अपने अपने लेवल पे जो ओयो है, गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, धर्मशाला हैं और मार्केट मॉल वगैरह हैं, उन पे चेकिंग कर रहे हैं वो दिन रात। और इसके अलावा जो हमारा जो बम निरोधक दस्ता है, जैसे आपने अभी देखा है, बम निरोधक दस्ता और जो डॉग स्क्वाड की टीम है, वो जो वेनरेबल जो बिल्डिंग्स हैं हमारे, जो जैसे DC ऑफिस है, मेट्रो स्टेशन है और मॉल है या दूसरे कोई जो बड़े ऑफिसज हैं, उनमें चेकिंग कर रही है लगातार। और वही सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है कि कहीं पे कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु ना हो। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि विदाउट नंबर प्लेट का कोई व्हीकल है, संदिग्ध व्यक्ति है जिसको पहचानते नहीं अपने आसपास के एरिया में, अपरिचित आदमी है, उसकी एक्टिविटी भी संदिग्ध लग रही है, तो उसका 112 पे कॉल करें या हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है 4x9999915 4x0। सर, नाके वगैरह भी बढ़ाए गए हैं कुछ? हाँ, नाके बिल्कुल नाके लगाए गए हैं। हमारे पास काफ़ी सफिशेंट पुलिस फोर्स है। जो भी प्रमुख चौक चौराहे हैं उन पे नाकाज लगाए हैं, उसमें चेकिंग कर की जा रही है। जो भी वाहन है, जो डेली के वाहन हैं, उसके अलावा जो संदिग्ध वाहन है या कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति है, उनकी सबकी चेकिंग की जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति कोई ओयो में रुका हुआ हो, गेस्ट हाउस में या किसी होटल में रुका हुआ हो, धर्मशाला में रुका हो, वहाँ पे भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वो अपने आसपास नजर रखें और कोई संदिग्ध व्यक्ति उन्हें नजर आता है या फिर बिना नंबर प्लेट के कोई वाहन दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दे और पुलिस का सहयोग करें। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।